चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें ताकि भविष्य का हर एक वीडियो आप सरलता से देख पाएं। रामनगर सबिया पंचायत में समाजसेवी नसीम अहमद हिटलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों के बीच अपनी पत्नी साइस्ता बानो को मुखिया उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। मुखिया प्रत्याशी के पति ने अस्पताल बनवाने के लिए भूमि दान देने का वादा किया। रामनगर प्रखंड के दक्षिणी क्षेत्र देवराज के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत राज सबिया के सबिया गांव में सादे समारोह में ग्रामीणों की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण नसीम अहमद उर्फ हिटलर ने की। दर्जनों की संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने हिटलर से ने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में उनकी पत्नी साइस्ता बानो सबिया पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ेगी। हिटलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आयोजित किया। पंचायत के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर हिटलर ने उपस्थित पत्रकारों से कई सवालों का जवाब दिया। हिटलर ने बताया कि पंचायत में विकास के नाम पर केवल धांधली हुई है। आम जनता को मिलने वाला कोई भी लाभ उन्हें नहीं मिल पाया है। उनके कार्य केवल कागजों में ही हुए हैं। हिटलर ने कहा कि यदि इस पंचायत की जनता पंचायत का पूर्ण विकास चाहती है तो साइस्ता बानो के साथ आएं। साइस्ता बानो एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार हैं जो जनता के हर सुख दुख में उनके साथ रहेंगी। बताते चले कि नसीम अहमद उर्फ हिटलर ने समय समय पर पंचायत की समस्याओं को उठाया है। वे जनता की आवाज़ को पदाधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य करते रहते हैं। बैठक में महमूद समीम साइस्ता बानो, समाज सेवी मोहम्मद फहीम, मोहम्मद मोहसिन, शाहनवाज आलम, सफ़ीर अहमद, मोहम्मद नाजिम, मोहम्मद वहाब, अंसार अहमद, जफर इकबाल, अबू कलाम, फैजान अहमद, जमालुल लैला, फरजुर रहमान एवं अन्य लोग उपस्थित थे। वहीं मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि आज़ादी के बाद से ही यहां के लोग मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। ना ही अस्पताल है, न विद्यालय है, जबकि यहां मिडिल स्कूल है मगर भवन नहीं है। ना ही कोई इस गांव पर कोई ध्यान देता है। सबसे पहले अपना भूमि दान कर अस्पताल तथा पंचायत भवन बनाएंगे ताकि लोगों की हर समस्या यहीं से दूर हो जाए, लोगों को ब्लॉक के चक्कर नहीं काटना पड़े। मौके पर उपस्थित पत्रकारों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं अबू मुहासिन ने बताया कि तन मन धन से मैं साथ हूं। इस कार्यक्रम में घोषणा के बाद प्रबुद्ध जनों स्थानीय लोगों की मौजूदगी को लेकर उम्मीदवार एवं समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। हर एक चीज अंधकार में है, यहाँ कोई पंच नहीं है, कोई किसी को मार देता है, गाली देता है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मैं हॉस्पिटल के लिए मऊरा से थोड़ा सा आगे रोड साइड में मैं अपने भाइयों से मशवरा करके करोड़ों रुपया का जमीन दान करता हूँ और आशा करता हूँ हमारे साथ पब्लिक हमको भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। और मैं वादा करता हूं कि दूसरे दिन वहां हेल्थ केयर सेंटर का फाउंडेशन रखा जाएगा और पंचायत भवन भी बनेगा। यह मेरा जमीन है रोड के किनारे 6 कट्ठा। मैं सबसे मशवरा करके मैं यह निर्णय लिया हूं। आपका आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद।